केकेआर वर्सेस आरआर के बीच हुआ काफी ज्यादा घातक और विस्फोटक मुकाबला, जहां पर केकेआर के घातक विस्फोटक बल्लेबाजों ने सोचा कि हम आरआर को आज हरा देंगे, लेकिन यहां पर आरआर की टीम यानी कि संजू सैमसन की घातक विस्फोटक गेंदबाजी और बल्लेबाजी ने मैदान पर कहर बरसा दिया। आरआर के घातक विस्फोटक गेंदबाज और बल्लेबाजों ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से केकेआर को धूल चटा दी। लेकिन आप सभी को बता दें, केकेआर हार के बाद आरआर जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में काफी बड़ा बदलाव हो चुका है, काफी बड़ा उलटफेर हो चुका है, जहां पर आरसीबी डीसी को काफी बड़ा झटका लगा है। एक तरफ वहीं सीएसके यानी कि महेंद्र सिंह धोनी, ऋतुराज गायकवाड़ की टीम को भी लेकर के काफी बड़े जो है झटके लग चुके हैं। सब कुछ आपको पॉइंट्स टेबल के बारे में बताएंगे कि कौन सी टीम कितने नंबर पर रैंक कर रही है, किस टीम के पास कितने पॉइंट है, किसका नेट रन रेट कितना है, सब कुछ आपको बताएंगे, और कौन सी टीम कितने नंबर पर है और कौन सी टीम को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। बस इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। आरआर वर्सेस केकेआर के बीच काफी ज्यादा घातक और विस्फोटक मुकाबला खेला गया, जहां पर आप सभी को बता दें कि घातक तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आरआर के, जी हां, आप सभी को बता दें यहां पर यशस्वी जायसवाल ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसा दिया और यहां पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से शतकीय पारी आईपीएल में खेल डाली। अब हम बात करेंगे आईपीएल 2024 के पॉइंट्स टेबल की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर 10 नंबर पर है वह आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु विराट कोहली की टीम, जहां पर इन्होंने अभी तक 7 मैच खेले हैं, सिर्फ एक मैच जीती और 6 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। इनके पास 2 पॉइंट हैं। अगर हम इसके नेट रन रेट की बात करें तो -1.185 इसका नेट रन रेट इस समय उपलब्ध है। अब हम बात करेंगे 9 नंबर पर, तो 9 नंबर पर है डीसी, दिल्ली कैपिटल की टीम है, जहां पर इन्होंने अभी तक 6 मैच खेले हैं, 2 मैच जीते हैं और 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इनके पास 4 पॉइंट है। नेट रन रेट की बात करें तो -0.975 इसका नेट रन रेट इस समय उपलब्ध है। अब हम बात करेंगे 8वें नंबर पर, तो 8वें नंबर पर है मुंबई इंडियंस यानी कि एमआई की टीम, जिसके कप्तान इस समय हार्दिक पांड्या हैं, क्योंकि पहले कप्तान रोहित शर्मा थे लेकिन नीता अंबानी ने रोहित शर्मा को हटा करके एमआई का कप्तान हार्दिक पांड्या को बना दिया था। हार्दिक पांड्या की टीम यानी कि एमआई की टीम अभी तक 6 मैच खेल चुकी है, सिर्फ 2 ही मैच जीती है और 4 मुकाबले में लगातार हारने का सामना करना पड़ा है। इनके पास अभी 4 पॉइंट मौजूद है। अगर हम इसके नेट रन रेट की बात करें तो -0.234 इसका नेट रन रेट इस समय उपलब्ध है। अब हम बात करेंगे 7वें नंबर पर, तो 7वें नंबर पर टीम है पीवीकेएस यानी कि पंजाब की टीम है, जिन्होंने अभी तक 6 मैच खेले हैं, 2 मुकाबले अपने नाम किए हैं और 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इनके पास अभी 4 पॉइंट हैं। नेट रन रेट की बात करें तो -0.218 इसका नेट रन रेट इस समय उपलब्ध है। अब हम 6ठे नंबर पर बात करें तो 6ठे नंबर पर है जीटी, गुजरात टाइटल, सुमन गिल की टीम, जो काफी बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन दिखा रहे हैं। पहली बार कप्तान बनते ही तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी से तहलका मचा रहे हैं। गुजरात टाइटल ने अभी तक 6 मैच खेले हैं, जहां पर 3 मुकाबले जीते हैं और 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इनके पास 6 पॉइंट है। नेट रन रेट की बात करें तो -0.637 इसका नेट रन रेट इस समय उपलब्ध है। अब हम बात करेंगे 5वें नंबर पर, तो 5वें पायदान पर एलएसजी लखनऊ की टीम, विकेटकीपर केएल राहुल की टीम, विकेटकीपर केएल राहुल यानी कि एलएसजी ने 6 मैच खेले हैं, 3 मुकाबले जीते हैं, 3 मुकाबले हारे हैं। इनके पास भी 6 पॉइंट है। नेट रन रेट की बात करें तो +0.038 इसका नेट रन रेट इस समय उपलब्ध है। अब 4ठे नंबर पर हम बात करेंगे वो है एसआरएच की टीम, जिसमें ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के कई दिग्गज खिलाड़ी इसमें मौजूद हैं। आप सभी को बता दें कि 4ठे नंबर पर है एसआरएच की टीम। एसआरएच की टीम ने अभी तक 6 मैच खेले हैं, 4 मुकाबले जीत चुकी है, 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इनके पास 8 पॉइंट है। नेट रन रेट की बात करें तो +0.502 इसका नेट रन रेट इस समय उपलब्ध है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर 3रे नंबर पर, तो 3रे नंबर पर टीम आती है सबसे घातक और विस्फोटक, जिसका नाम है सीएसके, महेंद्र सिंह धोनी, ऋतुराज गायकवाड़ की टीम, जो काफी ज्यादा टॉप लेवल की टीम है, लेकिन इस समय 3रे पायदान पर है। इसने अभी तक 6 मुकाबले खेले हैं, 4 मुकाबले जीत चुकी है, 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इनके पास 8 पॉइंट है। नेट रन रेट की बात करें तो +0.726 इसका नेट रन रेट इस समय उपलब्ध है। अब हम बात करेंगे 2 नंबर पर, तो 2 नंबर पर आती है केकेआर यानी कि सुरेश अय्यर की टीम, जहां पर सुरेश अय्यर एक मुकाबला जो है कल हार चुके हैं। सुरेश अय्यर ने 6 मैच अभी तक खेले हैं, केकेआर ने, कोलकाता नाइट राइडर ने, और इन्होंने 4 मैच लगातार जीते हैं, 2 में हार का सामना करना पड़ा है। इनके पास 8 पॉइंट है। नेट रन रेट की बात करें तो +1.399 इसका नेट रन रेट है। लेकिन जो सबसे टॉप टीम है आईपीएल 2024 की, वो नंबर 1 पर है आरआर यानी कि संजू सैमसन की टीम है, काफी बेहतर। इसमें आप सभी को बता देंगे यशस्वी जायसवाल है और दिग्गज से दिग्गज गेंदबाज रविचंद्र अश्विन भी है। आप सभी को बता दें आरआर टीम नंबर टॉप पर चल रही है। ये टीम काफी कुछ सालों पहले पीछे हुआ करती थी, लेकिन इस बार आईपीएल 2024 के ऑक्शन में टीम नंबर 1 पर चल रही है। आरआर ने अभी तक 7 मैच खेले हैं, 6 मुकाबले लगातार जीती है, सिर्फ 1 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। इनके पास सबसे ज्यादा पॉइंट है 12। नेट रन रेट की बात करें तो
0.677 इसका नेट रन रेट, जो काफी ज्यादा हाई लेवल का है, इन टीमों से सबसे ज्यादा बेहतर और विस्फोटक है। आप सभी को बताते हैं आरसीबी काफी ज्यादा पीछे चल रही है और डीसीएमआई तीसरे नंबर पर इस समय मौजूद है, लेकिन आरआर जो है फाइनल में क्वालिफाई पूरी तरीके से कर चुके हैं क्योंकि दो मुकाबले और जीतने होंगे और आरआर जो है क्वालिफाई फाइनल में कर जाएगी। आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इस बार आईपीएल 2024 की ट्रॉफी कौन सा जो है कौन सी टीम जीतेगी। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।